वर्ल्ड के मोस्ट आइकॉनिक एंड इन्फ्लुएंशियल लोग अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ ही पले बड़े हैं, जिसमें SpaceX एंड टेस्ला के CEO इलॉन मस्क और उनके यंगर ब्रदर शामिल हैं। किम्बल मस्क इलॉन की तरह ही अपनी लाइफ में काफी सक्सेसफुल रहे हैं, बट नॉट सो मच फेमस। किम्बल मस्क इलॉन के यंगर ब्रदर होते हुए भी पब्लिक अटेंशन से काफी लंबे समय तक बचते आए हैं, जिसका रीजन खुद इलॉन मस्क हैं, जो अपने छोटे ब्रदर को काफी टाइम तक स्पॉटलाइट से सेफ रखते आए हैं। बट ऐसे स्पॉटलाइट से इलॉन के ब्रदर का हाइड होना SpaceX के मार्स मिशन के कुछ अननोन फैक्ट्स की वजह से मुश्किल होता जा रहा है, जिसका रीजन है किम्बल मस्क एंड इलॉन के ड्रीम्स, हॉबीज एंड इंडस्ट्री ऑफ चॉइस के बीच का कनेक्शन। किम्बल मस्क इलॉन की तरह ही मार्स प्लेनेट को ह्यूमंस के रहने की जगह बनाना चाहते हैं, बट किम्बल किसी भी तरह की स्पेस कंपनी ओन नहीं करते, इसलिए किम्बल SpaceX की कोलैबोरेशन के साथ इस तरह के इंटरप्लेनेटरी सक्सेस को अचीव करना चाहते हैं, जिसे काफी हद तक इलॉन मस्क ने रियलिटी में चेंज कर दिया है, जिसके बारे में हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है, जिसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बट बिफोर दैट, किम्बल मस्क एक शेफ, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड रेस्टोरेंट ओनर हैं, जो बचपन से ही अमेरिकन के लिए ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करना चाहते थे, जो नाउ एक रियलिटी बन चुका है। और यदि हम इस तरह के ऑर्गेनिक फूड के प्लान्स को और इलॉन के मार्स मिशन के बीच कनेक्शन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी स्पेस फ्रीक ये अच्छे से समझ सकता है कि मार्स प्लेनेट को सच में हैबिटेट बनाने के लिए ऑर्गेनिक फूड कितना बड़ा स्टेपिंग स्टोन हो सकता है, जिसे नाउ पब्लिक ने काफी अच्छे से समझना शुरू कर दिया है, जो किम्बल के ऑर्गेनिक फूड एंड इलॉन के इंटरप्लेनेटरी मिशन के प्लान्स के बीच इंपॉर्टेंट कनेक्शन को हाईलाइट करता है। इसलिए जैसे ही SpaceX रियली में ह्यूमंस को प्लेनेट मार्स पर रहने के लिए भेजना शुरू करती है, वैसे ही इस मिशन में इंपॉर्टेंट एलिमेंट का अपना रोल प्ले करने की टर्न आ जाएगी, जिस पर इलॉन के ब्रदर, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अपने बचपन से ही काम कर रहे हैं, जिसकी मदद से साइंटिस्ट अर्थ के अलावा स्पेस में किसी भी प्लेनेट पर मौजूद ह्यूमंस के लिए सस्टेनेबल एंड ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर सकेंगे। कैनेडियन सुपर मॉडल मे मस्क एंड साउथ अफ्रीकन इंजीनियर के बेटे किम्बल मस्क का जन्म 1972 में साउथ अफ्रीका में हुआ था, जो अपनी यंगर ब्रदर टॉस्का मस्क एंड ब्रदर इलॉन मस्क के साथ साउथ अफ्रीका में ग्रो हुए। प्रिटोरिया में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किम्बल अपने ब्रदर इलॉन के पास कनाडा चले गए। भले ही मस्क ब्रदर्स का जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था, बट अपनी कनेडियन मदर के कारण मस्क ब्रदर्स के पास कनाडा की भी सिटीजनशिप मौजूद थी। फाइनली कनाडा मूव होने के बाद किम्बल ने बिजनेस में डिग्री लेने के लिए कनाडा के किंगस्टन ओंटारियो में मौजूद क्वीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जिन्हें कनाडा के ही एक बैंक में अपनी फर्स्ट जॉब का ऑफर यूनिवर्सिटी के दिनों में ही ऑफर हुई। बट इलॉन की तरह ही किम्बल मस्क भी ज्यादा लंबे समय तक एक चीज से सेटिस्फाइड नहीं होने वाले थे, इसलिए यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद ही 1995 में किम्बल मस्क ने बिजनेस वर्ल्ड को डीप लेवल से समझना शुरू कर दिया। एंड सून किम्बल ने अपने फर्स्ट बिजनेस वेंचर कॉलेज प्रो पेंटर्स की शुरुआत की, जिसमें वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज को पेंट करने की सर्विस प्रोवाइड करते थे। बट उससे पहले ही किम्बल और इलॉन ने 1994 में एक साथ यूनाइटेड स्टेट शिफ्ट होने का प्लान बना लिया था, जहां जाते ही सेम ईयर किम्बल ने अपने ब्रदर के साथ पार्टनरशिप में Zip2 की शुरुआत की। Zip2 एक्चुअली में एक फोन डायरेक्टरी की तरह ही थी, एक्सेप्ट ये डायरेक्टरी फोन नंबर्स नहीं बल्कि किसी बिजनेस या फिर किसी कंपनी से जुड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी, इंक्लूडिंग मैप। मस्क ब्रदर्स के वेंचर Zip2 के सक्सेस ने बिजनेस वर्ल्ड में काफी लोगों को सरप्राइज किया, जिसे परचेज करने के ऑफर मस्क ब्रदर्स को डेली रिसीव होने लगे। एंड Zip2 को क्रिएट करने के 5 years लेटर मस्क ब्रदर्स अपनी लाइफ में कुछ और ट्राई करना चाहते थे, इसलिए इलॉन एंड किम्बल ने Zip2 को 1999 में कॉम्प नाम की एक अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी को $307 मिलियन में सेल कर दिया। Zip2 को सेल करने के बाद किम्बल ने अपने हिस्से में आए पैसों को न्यू एंड ग्रो कर रही टेक एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज में इन्वेस्ट किया, जिसमें से एक कंपनी थी X.com, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि इलॉन मस्क ने ही शुरू किया था। X.com एक्चुअली में बिजनेस वर्ल्ड के अदर कंपनीज को फाइनेंशियल सर्विस एंड ईमेल पेमेंट जैसी फीचर्स प्रोवाइड करती थी, जिसे सून X.com की जगह PayPal के नाम से जाना गया।
एंड लकी फॉर इलॉन उनका ये वेंचर भी काफी सक्सेसफुल रहा। बट इलॉन मस्क नाउ पहले की तरह ही कुछ और ट्राई करना चाहते थे, इसलिए अक्टूबर 2002 में इलॉन मस्क ने पेपैल को 1.5 बिलियन डॉलर्स में ईबे को सेल कर दिया। 2002 तक किम्बल अपने बड़े ब्रदर इलॉन के साथ ही कैलिफोर्निया में रह रहे थे, बट नाउ किम्बल भी इलॉन की तरह अपने बचपन के ड्रीम पर काम करना चाहते थे, इसलिए किम्बल कैलिफोर्निया से न्यूयॉर्क सिटी शिफ्ट हो गए, जहां पर उन्होंने रेस्टोरेंट वर्ल्ड को समझने के लिए न्यूयॉर्क के इंटरनेशनल कलिनरी सेंटर में अपनी स्टडीज को शुरू किया, जहां से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद किम्बल ने अपने रेस्टोरेंट बिजनेस की शुरुआत की, जिसे नाम दिया गया द किचन, जिसे पब्लिक के साथ क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया, जो नाउ अमेरिका का वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट माना जाता है। एंड द किचन की सक्सेस के बाद किम्बल मस्क ने अपने रेस्टोरेंट बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने अफोर्डेबल वेजिटेबल्स को ग्रो करना शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने अपने सस्टेनेबल फार्मिंग आइडिया बिग ग्रीन की शुरुआत की, जो एक नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है जो बच्चों को फ्रेश वेजिटेबल्स की इम्पोर्टेंस एंड एजुकेशन नरिशमेंट सिखाता है, जो किम्बल के अकॉर्डिंग आने वाले समय में बच्चों को फ्यूचर के फार्मर्स बनने के लिए इंस्पायर करेगा। फ्रेश फूड को ग्रो करना एंड कंज्यूम करने के आइडिया के साथ किम्बल डेली वेस्ट होने वाले फूड क्वांटिटी का भी ख्याल रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्क्वायर रूट्स के सीईओ टोबायस पैक्स के साथ कोलैबोरेट किया, बिकॉज स्क्वायर रूट एक्चुअली में किसी भी तरह के वेजिटेबल्स को एक यूनिक टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रो कर सकती है, जो किसी भी तरह के फूड वेस्टेज को कम से कम करने में काफी बड़ी हेल्प करता है, जो इस तरह के शिपिंग कंटेनर्स में इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें लगी ऐसी एलईडी साल के किसी भी महीने में बिना किसी पेस्टिसाइड के पर्टिकुलर टाइप के वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकती है, जो आज के करंट वेदर के रैपिडली चेंज होने के कारण फ्यूचर में वेजिटेबल्स को ग्रो करने का काफी अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। करंटली स्क्वायर रूट बेजल, पार्सली, मिंट और अदर वेजिटेबल्स को ही ग्रो करती है। इस तरह के मॉड्यूल्स में वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए pink/purple एलईडी लाइट्स और इरिगेशन सिस्टम को यूज किया जाता है, जो किसी भी तरह के इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर बनाना काफी इजी है। इवन बेटर किसी मार्केट के पास मौजूद एम्प्टी स्पेस में बनाना, जहां से कंज्यूमर जब चाहें फ्रेश वेजिटेबल्स को परचेज कर सकें, जो वेजिटेबल्स को फार्मर से कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में वेजिटेबल्स के खराब होने के चांस को काफी डिक्रीज कर देता है। वेजिटेबल्स को इंडोर ग्रो करने के साथ स्क्वायर रूट अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जैसे कि किसी वेजिटेबल को कब और कौन से समय ग्रो किया गया था, किस समय पैक किया गया था एंड कौन से फार्मर्स ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ग्रो किया था। इस तरह से स्क्वायर रूट अपने कस्टमर्स के साथ काफी अच्छे एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशन मेंटेन करता है, जो आज के मॉडर्न वर्ल्ड में काफी कम ब्रांड्स के साथ ही देखने को मिलती है। इस तरह की यूनिक टेक्नोलॉजी के कारण ही इलॉन के अकॉर्डिंग होपफुली प्लेनेट मार्स पर स्क्वायर रूट मार्स के फर्स्ट क्रू के लिए ऑर्गेनिक फूड को ग्रो करने के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, जिसे किम्बल ने ऑलरेडी एक इंटरव्यू में कंफर्म करते हुए कहा है कि वो अर्थ पर सभी लोगों के लिए ऑर्गेनिक फूड 24/7 अवेलेबल करना चाहते हैं, एंड स्क्वायर रूट की टेक्नोलॉजी ऐसा ना सिर्फ अर्थ पर बट मार्स पर भी करने में यूजफुल रहेगी। बट इंडोर फार्मिंग आउटडोर फार्मिंग की कंपैरिजन में अभी के लिए थोड़ी प्लैनेट फ्रेंडली नहीं है, इसलिए जब तक इलॉन प्लैनेट मार्स को रियलिटी में चेंज करने के मिशन पर काम कर रहे हैं, किम्बल मस्क वर्ल्ड में ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं जो इंडोर फार्मिंग में यूज होने वाली एनर्जी को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट कर सकें, जैसे कि विंड पावर, जो ऑर्गेनिक फूड की प्रोडक्शन में तो ऑब्वियसली हेल्पफुल रहेगा, बट साथ ही इस तरह की ग्रीन एनर्जी की हेल्प से ग्रो किया हुआ फूड हमारे प्लैनेट के लोगों की भूख को कम करने के साथ साथ प्लैनेट अर्थ को फिर से हेल्दी बना सकेगा। बट इस तरह का एफर्ट शुरुआत में ओनली यूएस में ही देखने को मिलेगा, बट होपफुली वर्ल्ड की अदर कंट्रीज भी इस तरह के आइडिया को सून अडॉप्ट करना शुरू कर देंगी। किम्बल के इनोसेंट फेस एंड उनके काउबॉय हैट को देख यही लगता है कि वो इलॉन की तरह अर्थ पर मौजूद ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छी चीजें करना चाहते हैं, बट मे बी इलॉन के छोटे भाई उनसे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट मूव्स प्ले करते हैं, जिनकी नेटवर्थ 2019 में अराउंड 500 मिलियन डॉलर्स थी,
बट इलॉन की नेटवर्थ इंक्रीज होने के साथ किम्बल की नेटवर्थ भी काफी इंक्रीज हुई, जिसका रीजन है किम्बल का इलॉन की कंपनी टेस्ला एंड स्पेसएक्स में अर्ली इन्वेस्टमेंट्स। वहीं उनके बिग ब्रो इलॉन मस्क ऑब्वियसली काफी ज्यादा वेल्दी तो हैं, बट इस तरह के वेल्थ एंड फेम के कारण इलॉन मस्क मोस्टली ऑल द टाइम पब्लिक की नजरों में रहते हैं, जिसकी कंपैरिजन में किम्बल मस्क इलॉन से ज्यादा बेटर तरह से अपनी लाइफ को पब्लिक की नजरों से दूर बचाकर एंजॉय कर पाते हैं। बट इसके बावजूद भी इलॉन मस्क एंड किम्बल मस्क दोनों ही अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट में काफी फेमस बन गए हैं, जो उनके हार्डवर्क और डेडिकेशन के कारण ही पॉसिबल हो सका। इलॉन से जुड़े ऐसे ही यूनिक एंड डिफरेंट वेंचर्स को हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।